अरे मैं बस पहुंचने वाला हूँ, और जैसे ही पहुंचूंगा सबसे पहले आपको फोन करूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है बेटा, बट गांव पहुंचते ही मुझे सबसे पहले फोन करना है, और हाँ खाना टाइम पे खा लेना, मैंने पैक कर दिया। ओके मम्मा, लव यू, बाय। आखिरकार कई अरसे बाद मैं अपने गांव वापस आ चुका हूँ, कल्याण जंक्शन। अरे इन्होंने तो रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज कर दिया, पहले शायद कुला भूटी नाम हुआ करता था, बट अभी कल्याण जंक्शन हो चुका है। और यार गांव के अंदर इतनी सारी बिल्डिंगें बन चुकी हैं, पहले तो यहाँ पर बिल्डिंगें नहीं थी। खैर जो भी हो, फिलहाल मुझे अपने दोस्त को फोन करना पड़ेगा जल्दी से। हेलो पिंटू, मैं राजू बोल रहा हूँ। मैंने तुझसे बोला था ना कि मैं गाँव आने वाला हूँ, मेरे लिए कोई घर वगैरह खरीद के रख लेना। नहीं यार, कोई घर नहीं मिल रहा है, और जो घर मिल रहा है वो काफी ज्यादा महंगे हैं। अरे यार शिट भाई, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई मुझे गांव आने से पहले? अब मैं कहाँ पे रहूंगा, मेरे पास तो घर भी नहीं है। अच्छा सुन, फिलहाल मैंने स्टेशन के पास गाड़ी खड़ी की है मेरी, उससे पहले एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, मिल के ढूंढेंगे घर। ओके ओके चल ठीक है, फिर मैं आता हूँ तेरे घर पे। ओके, उसने बोला था कि वो बाइक यहीं पर खड़ी करके गया है, लेकिन बाइक कहाँ पर है? ओ वो रही सामने। वैसे मेरा दोस्त काफी अच्छा है, हमारी 10 साल से दोस्ती है, पहले हम इसी गांव में रहते थे, लेकिन मेरी शहर में जॉब लग गई तो मुझे वहां पर जाना पड़ा अपना घर बेचकर। लेकिन अभी फाइनली मेरी जॉब वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, दोबारा से मैं अपने गांव आ चुका हूं, तो सबसे पहले मुझे यहां पर एक घर खरीदना पड़ेगा अपने लिए। और मैंने अपने दोस्त को तो बोला था, लेकिन यार उसने महंगाई के चलते यहां पर घर काफी महंगे है ना, तो उसने खरीदा नहीं। बट कोई ना, फिलहाल मैं अभी अपने दोस्त के घर पे जाता हूं, वहां पर थोड़ा सा आराम करूंगा, फिर शाम में हम दोनों मिलके घर खरीदने के लिए जाएंगे। ओके फाइनली मैं अपने दोस्त के घर पर आ चुका हूँ, और यार घर देखने में तो काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। और वेट भाई, इसने तो यहाँ पर स्विमिंग पूल भी बनवा लिया, पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, एक झोपड़ी थी, लेकिन इसने शायद पैसे लगवा के दोबारा से बनवाया है। बट कोई ना, अभी अंदर चल के देखते हैं क्या कर रहा है मेरा दोस्त। हेलो पिंटू, पिंटू बाहर निकल, देख तेरे घर पे कौन आया है। पिंटू अरे लग रहा है शायद जॉब पे गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर अपना बैग रख देता हूँ अलमारी के अंदर, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। चलो बैग तो रख दिया, पिंटू शाम में आएगा जॉब से तो थोड़ा आराम वगैरह कर लेता हूँ। अरे यार मैं कब से सो रहा हूँ, शाम का टाइम हो गया क्या? अरे अंधेरा हो चुका है, और एक मिनट, पिंटू अभी तक आया नहीं जॉब से। अरे वो तो 6 बजे आ जाता है, और टाइम शायद लग रहा है 9 या 10 बज चुके हैं, और अभी तक पिंटू आया भी नहीं। मैंने सोचा था शाम में 6 बजे मिलके हम दोनों घर खरीदने के लिए जाएंगे, लेकिन रात के 9 बज चुके हैं, ना तो पिंटू आया और ना ही मैंने अभी तक घर खरीदा है। लेकिन एक मिनट, ये फोन किसका आ रहा है? मुझे लगता है मम्मी का होगा, मैंने उन्हें पहुंच के फोन नहीं, अरे नहीं ये तो पिंटू का है। हेलो राजू, सुन देख, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, मैं घर कर लिया पाऊंगा, तू सो जाना और खाना बाहर से ऑर्डर कर लेना। लेकिन यार मैं घर में बोर हो जाता हूँ। चल ठीक है फिर, कोई ना। अरे यार अब क्या करूँ मैं यहाँ पर, एक तो 6 घंटे से सो रहा हूँ, रात में कहीं पर जा भी नहीं सकता। एक काम करता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, टीवी में कोई मूवी वगैरह देख लेता हूँ जब तक राजू कल ही आएगा, वैसे तो टीवी देख के सो जाऊंगा। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कल्याण जंक्शन में ये घर की कीमत हुई बहुत ही ज्यादा सस्ती। जहाँ पर इस घर की कीमत थी 8 से 10 लाख, वहीं पर ये घर आज बेचा जा रहा है बस 20,000 के अंदर। तो जल्दी से जाओ और इस घर को खरीद लो। क्या सच में 10 लाख वाला घर कुल 20,000 के अंदर? अरे भाई मैं तो इसको खरीदूंगा जल्दी। एक काम करता हूँ, पिंटू तो वैसे कल ही आने वाला है, और मैं कल तक इंतजार करूंगा ना तो वो घर बिक जाएगा, तो सबसे पहले अपना बैग ले लेता हूँ पैसों का। ओके अभी बैग ले लिया है, जल्दी से चलते हैं वहीं पर। और मुझे पता है वो घर कहाँ पर है, वो जो एक छोटा सा गांव है ना वहीं पर वो घर है। तो फिलहाल कल पिंटू आएगा उसको मैं बता दूंगा कि मैंने ऐसे ऐसे घर को खरीद लिया है। और यार कुल 20,000 का, भाई कहाँ 7, 8, 10 लाख में घर मिलता है और वहां पर 20,000 का मिल रहा है? मुझे लग रहा है न्यूज वाले कुछ पागल बना रहे होंगे, या तो वो घर वाला ही पागल इतने सस्ते में बेच रहा है। बट हमें क्या, हमें तो वो जाके वो वाला घर को खरीदना है, जल्दी से चलते हैं गाइस। वैसे मैं पुराने गांव के पास में आ चुका हूँ, लेकिन वो जो घर बिक रहा था वो वाला घर कौन सा यार, यहाँ पर तो बहुत सारे घर है। अच्छा जो घर बेच रहा था उसका मालिक यही कहीं पे होगा। अच्छा इस मैडम का घर तो नहीं है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? हेलो मैडम, वो जो घर वो जो है सामने, वो घर आपका है क्या? मैंने न्यूज में देखा था। हाँ घर तो मेरे ही है, लेकिन कीमत तुम्हें पता है ना, 20,000 है उसकी, उससे 1 रुपया कम नहीं करूंगी। अरे कोई ना, टेंशन मत लो, मैं घर से पूरे पैसे लेकर आया हूँ, ठीक है? हाँ ठीक तो है, लेकिन एक और बात, इस घर को बंद हुए काफी टाइम हो चुका है। इस घर में मतलब के मैं रहती नहीं हूँ, साथ में मेरा हस्बैंड भी दूर रहते हैं, तो आप बहुत टाइम से बंद है, इसकी सफाई वगैरह कर लेना, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, चलो अपने पैसे ले लो। चलो भाई मैंने उसको पूरे 20,000 दे दिए, और यार मजा आ गया, 20,000 में इतना तगड़ा इतना बड़ा घर मिल गया। अंदर लाइटें वाइटें तो जल रही हैं, पर वो ऐसा क्यों बोल रही थी, बहुत टाइम से बंद पड़ा है। रुको अंदर जाके देखना पड़ेगा। चलो कोई ना, थोड़ी बहुत तो सफाई करनी पड़ेगी वैसे भी मुझे, क्योंकि इतने टाइम से बंद पड़ा है तो कर लेंगे, अंदर चलते हैं। व्हाट भाई ये घर अंदर से कैसा है?
दीवारों पे तो कुछ कलर वलर पेंटिंग हो भी नहीं है। एक मिनट आगे चल के देखता हूँ और इस घर में अंदर क्या क्या है। मैंने सोचा था यार अंदर से अच्छा होगा जैसे बाहर से। वेट, इतना बड़ा दरवाजा है, इसके आगे क्या है? मुझे अलग सी फील आ रहा है, जैसे हॉन्टेड हाउस में आता है ना वैसा। भाई डर लग रहा है मुझे। आराम आराम से चलते हैं यहाँ पर। और ये इतना बड़ा दरवाजा यहाँ पर क्या कर रहा है? बंद पड़ा है यहाँ पर शायद। और एक मिनट, ये आवाजें कैसे आ रही है? भाई ये किचन है क्या पूरा खराब सा? निकलना पड़ेगा यहाँ से, अजीब से आवाजें आ रही है, मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। अबे ये क्या, ये क्या? अबे अबे गाइस वो क्या था? अरे भाई घर में कुछ तो दिखा मुझे। भाई मैं बाहर आ गया भाई, मेरे को अंदर से ऐसे लग रहा था, कुछ डरावना सा फील आ रहा था, लेकिन कुछ दिखा मुझे। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, पहले अपने दोस्त के घर पे जाता हूँ, उसको सारी चीजें बताऊंगा। पता नहीं कोई चीज दिखी यार घर में, हॉन्टेड हाउस है ये तो। गाइस एक बार कमेंट करके बताओ कुछ तो था घर में वो, लेकिन क्या था आपको पता है क्या? आपने देखा हो तो जल्दी कमेंट करके बताओ। फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर पे, उसको बताऊंगा ये सारी चीजें कि ऐसे ऐसे मैंने घर खरीदा था 20,000 का और वहां पर मुझे कुछ तो दिखा यार। ओके मैं घर के पास में आ चुका हूँ। लेकिन एक मिनट, पिंटू तू कब आया? अरे यार मैं फाइल लेने आया था, काम ज्यादा है ना ऑफिस में। लेकिन यार तू कहाँ था भाई, कॉल भी नहीं लग रहा तेरा। अरे भाई पिंटू बात सुन, मैं ना टीवी पे न्यूज देख रहा था, वहां पर न्यूज आ रही थी कि कुल 20,000 में अपना घर खरीद सकते हो। मैंने उसको देख के घर खरीद लिया, लेकिन घर के अंदर ना भाई कोई भूत पता नहीं कुछ तो था। अबे पागल, वो नॉर्मल घर नहीं है भाई, वहां पर एक बुड्ढी चुड़ैल है। व्हाट, बुड्ढी चुड़ैल? अरे हाँ यार मुझे वहां पर कुछ तो दिखा था टीवी पर। देख जो भी उसका घर खरीदता है ना भाई, वो चुड़ैल उसे घर में ले जाके मार देती है। अरे यार मुझे इसके बारे में नहीं पता था बिल्कुल भी। अच्छा हुआ यार तू बच के आ गया, अब घर जाके आराम कर, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। चल ठीक है, सुबह जल्दी आ जाना ऑफिस से। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे सोने के लिए, ठीक है? अब हट तो भाई सामने से, तो हट जा, जाने तो दे। मैंने पिंटू से तो बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं, अब उस चुड़ैल की वाट लगाऊंगा जाकर। अभी मैं टीवी पर देखता हूँ दोबारा से, शायद वो वही न्यूज चला रही होगी 20,000 में घर बेचने वाला। इससे पहले वो बुड्ढी चुड़ैल किसी और को शिकार बनाए अपना, मुझे उसको खत्म करना होगा। ओके मैं टीवी पे न्यूज देखता हूँ। कल्याण जंक्शन एक ऐसा गांव जहाँ पर घरों की कीमत है 20 लाख, लेकिन वहीं पर ये घर आपको मिल जाएगा 20,000 में, तो जल्दी से इसको खरीद कर अपना घर बनाए। अच्छा बुड्ढी चुड़ैल 20,000 में, अब रुक तेरी वाट नहीं लगाई ना, मासूम को अपने घर में ले जाके उनको खा जाती है। पहले तो मैं अपना बैग ले लेता हूँ छोटा वाला। ओके मैंने बैग ले लिया है, इस बैग के अंदर काफी सारे बारूद है जो कि मदद करेंगे उससे लड़ने में चुड़ैल से। तो मैं जाता हूँ उसके पास में और उसको खत्म करके आता हूँ। वैसे मेरे हिसाब से वो चुड़ैल अभी तक वहीं पर होगी, क्योंकि न्यूज आ रही थी कोई भी उसका घर खरीद सकता है, तो वो पक्का वहीं पर होगी। आज मैं उसका घर भी और उसको भी उड़ा दूंगा। 8 साल तक बॉर्डर पे खड़े होके रक्षा करी देशवासियों की एक आर्मी ऑफिसर बनके, और वो चुड़ैल मुझे खाना चाहती है। मैंने अपने आर्मी के जितने भी हथियार थे, पिस्टल बम बारूद सब ले लिए उसको मारने के लिए। आज तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरी आज जैसे भी जान बची है ना, अब मैं किसी और की जान नहीं जाने दे सकता, क्योंकि ये एक आर्मी ऑफिसर का वचन है। ओके वैसे मैं आ चुका हूँ चुड़ैल के घर पे, और वो मुझे शायद यहाँ पर तो दिख नहीं रही, वैसे वो घर के अंदर भी हो सकती है। उससे पहले वो आए मैं इसके घर को तबाह कर देता हूँ पूरे यहाँ पर बम लगाकर। और जैसी शायद अगर वो अंदर भी हुई ना, तो मैं जैसी बम ब्लास्ट करूंगा वो अंदर ही दफन होके मर जाएगी। तो यहां पर मैं काफी सारे बम लगा देता हूं इस घर पर। ओके मैंने पूरे घर पर बम प्लांट कर दिए, अभी टाइम आ चुका है इस घर को उड़ाने का। बचाओ बचाओ, आर्मी ऑफिसर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं एक दिन वापस आऊंगी।